अच्छा एक बार बताओ स्टार्टिंग पे एक बारी मैं आना चाहता हूँ कि जब आप कमा रहे थे पैसे और स्टॉक में पैसे कहा मतलब आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपने क्या करी थी अपनी और जब करी थी तो घर वालों ने जैसे हमारे घर वाले तो ये बोलते हैं कि जैसे स्टॉक का नाम लो तो वो कहते हैं कि मत कर कुआ ये तो डूब जाएंगे पैसे थोड़ा ऐसा रिएक्शन रहता है तो आपके घर वालों का क्या आता और आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या आती जैसे मैंने अभी आपको पूरी कहानी बताई थी ना कि पहले था हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो हमारे पेरेंट्स मान लो हमसे 20-30 साल बड़े हैं तो 20-30 साल पहले जाए हम जब वो हमारी एज पे थे तो उनके पास ऑप्शन नहीं थे उनके पास नॉलेज नहीं थी स्टॉक मार्केट क्या होती है कैसे इन्वेस्ट करते हैं है ना तो अब जब आपके पास नॉलेज नहीं है ना तो आपके पास क्या क्रिएट होगा गलत फहमियाँ मिथ क्रिएट होगी एक का लॉस हुआ वो दस लोगों को बताएगा मेरा लॉस हो गया वो दस लोग और दस लोगों को बताएंगे भी नहीं था वो भी तो हमारे पेरेंट्स डरे हुए इसीलिए क्योंकि उनके पास उस वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उतने आ, क्या बोलते उन्हें टूल्स भी नहीं थे कि वो इन्वेस्ट कर सके दूसरा रीजन पहले क्या था कि इन्फ्लेशन इतना नहीं था है ना और हमें बैंक में जो रिटर्न मिलता है एफ से वो हमें ठीक ठाक मिल जाता था इन्फ्लेशन से ऊपर ही जैसे मान लो तीन परसेंट इन्फ्लेशन है तो चार परसेंट पाँच परसेंट या पता है एक टाइम पे तो तेरह परसेंट भी एफडी का रिटर्न गया था आई थिंक ये नाइन्टीज़ की बात है मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी तो उस वक्त जब इतना अच्छा रिटर्न आपको एफ से मिल रहा है बैंक अकाउंट दे रहा है तो आप क्यों इन्वेस्ट करोगे यहाँ पर स्टॉक मार्केट में जिसको बोल रहे हैं कि आ, आपने तो बोला कुआ है है ना और सट्टा हाँ सट्टा बाजार बोलते सारे डूब जाएंगे पैसे दीपक तो लूट जाएगा मत डाल हाँ। तो वो क्यों इन्वेस्ट करते बट अब हम 2020 के बाद है जहाँ सब कुछ डिज, डिज, डिजिटल है हमारे पास सारे टूल्स है तो अब हम क्यों नहीं इन्वेस्ट करें सबसे पहला रीज़न है हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए क्योंकि अब इन्फ्लेशन छः सात परसेंट अगस्त पिछले साल अगस्त में इन्फ्लेशन सेवन परसेंट भी टच किया है और हमें बैंक में क्या रिटर्न मिल रहा है तीन परसेंट चार परसेंट तो मतलब हम पैसा खो रहे हैं बैंक में रख रहे हैं ना तो हमारा पैसा माइनस हो रहा है इस साल अगर सौ रुपए है तो अगले साल वो नाइन्टी फोर या नाइन्टी फाइव हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन महंगाई उसको खा रही है है ना तो अब जरूरी है तो शायद जो पेरेंट्स बोलते हैं वो सही है उनके हिसाब से सही है क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी नेहा नागर नहीं थी जो उसको एजुकेट कर रही थी बट अभी आपके पास सारे साधारण है ना आपको इसमें करना बढ़िया पता चल रहा है आप कितने actively brands कर रहे हो हो कि कि आदत गई उनके हिसाब से नहीं चले आप अपने हिसाब से चले पहली बात तो मैं अपने घर में लड़कियों में और इवन लड़कों में भी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी मतलब एमबीए किसी ने नहीं किया था इंग्लिश मीडियम में किसी ने नहीं किया था शहर आके कोई नहीं पढ़ा था तो थोड़ा सा फिर ट्रस्ट फैक्टर आप पे ज़्यादा हो जाता है कि यार ये पढ़ी लिखी है या पढ़ रही है तो थोड़ा बहुत करने लग फिर तो आप ही चलिए फिर तो आप ही बट बट इसमें भी बट है क्योंकि जैसे ही मैंने थोड़ा बहुत जब पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि ये सही कमा रही है तो उन्होंने चालू किया रियल एस्टेट कि तू रियल एस्टेट पर इन्वेस्ट कर पैसा यहीं डबल होता है तो मेरी मम्मी आज तक बोलती है अगर मैंने घर लिया है तो वो सिर्फ मम्मी की वजह से क्योंकि मैं फाइनेंस इन्फ्लुएंसर होके मतलब रिकमेंड नहीं करती कि आप इतनी अर्ली एज पर घर खरीदो hmm. हाँ बट हमारे घर वाले हो दीपक के घर वाले हो तो इन सब की वजह से हमने लिया है क्योंकि वो रियल एस्टेट को ही सब कुछ मानते हैं hmm. है ना एफ के बाद तो <laughs> रेंट बनाओ अपना रेंट आना चाहिए रेंट <laughs> हाँ तो वो हमेशा मतलब मुझे भेजते रहते हैं यहाँ ये प्रॉपर्टी खरीद ले ये कर ले वो कर ले तो वहाँ वो प्रेशर रहता है अदरवाइज स्टॉक मार्केट में

तो मेरा भी ऐसा हो जाता कि हाँ अगर मैं फाइव सिक्स लैक्स डालता वन टू सी हो जाते और मैं को कह रहा मैंने कहा कह ये हमने छोड़ दिया ये हो जाता नहीं नहीं मैंने मम्मी को बताया था अपनी को तो मम्मी तो बोल रही थी कि तू तो हमारे भी लगा दे <laughs> मैंने कहा थामा थामा आराम से करेंगे वैसे क्रिप्टो एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस आप रेकमेंड करते हो हाँ, या ऑफ कोर्स यार मतलब क्रिप्टो मैं बिलीव करती हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है फार अवे जाएगी अभी वेब थ्री आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा बट क्या होता है जब कोई मार्केट ऊपर जाके फॉल करती है ना तो उस वक्त क्या होता है कि जो सिर्फ हाई को देख के आए थे ना वो लोग निकल जाएंगे और जो टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं आगे, आगे बढ़ेगा हाँ तो वो, तो वो अभी भी शांति से इन्वेस्ट करेंगे क्रिप्टो जैसा इतना वॉलेटाइल है क्योंकि नई मार्केट है तो उसमें उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करो जितना आप लूज कर सको मतलब जो आप फाइनेंशियल गोल्स के लिए प्लान कर रहे हो ना कि रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है बच्चे की एजुकेशन के लिए या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए तो वहाँ इन्वेस्ट करो जो ऑलरेडी आप मार्केट देख चुके हो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट है ना लेकिन क्रिप्टो में अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट मत करो यहाँ वो पैसा इन्वेस्ट करो कि जो आपके पास फर्क ना पड़े इवन <laughs> अभी भी शायद आप कितना ही स्ट्रांग बिलीफ रख रहे हो इसमें बट मैक्स टू मैक्स अपने पोर्टफोलियो का पांच से दस परसेंट दस परसेंट से ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्रिप्टो में क्योंकि इतने ज्यादा वॉलेटाइल है